हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10 के छात्रों का टाइम टेबल, और यूपी बोर्ड ने जो टाइम टेबल जारी किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा घाचा पीछा दिया हुआ है, जैसे कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने कॉपी पे इसको बहुत ही बढ़िया से लिख के आपके सामने मैं बताऊँगा भी एकदम एक्सप्लेन से, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसका मतलब समझने के बाद लास्ट में एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्क्रीन शॉट वीडियो के एंड में। तो आप इसको फिर चाहे जब अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। और वैसे मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कि कितने समय कौन सा आपका पेपर है, कितने बजे से शुरू होगा, कब खत्म होगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वर्ष 2021 की हाई स्कूल परीक्षा का कार्यक्रम, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको चार चार कॉलम में वो किया है, विभाजन किया है। पहला देखिए यहाँ पे दिनांक, दिवस, दिवस आपका दिन है, और समय और विषय, ठीक है? तो चलिए सबसे पहला पेपर आपका देखते हैं कि कितने तारीख को है और कौन से दिन पे है, ठीक है, और कितने बजे से है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पेपर जो है वो आपका 24 अप्रैल को है। पहला पेपर 24 अप्रैल को है, दिन आपका शनिवार पड़ेगा, और जो समय है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगा आपका पेपर। मींस आपके एग्जाम सेंटर पर 8 बजे से पहले पहुंचना है, तो 8 बजे से पहले आप पहुंचिएगा, 8 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा और 11:15 पर खत्म हो जाएगा। ये जो 15 मिनट आप देख रहे हैं ये आपको पेपर पढ़ने के दिए जाते हैं, बाकी 3 घंटे जो हैं आपको पेपर लिखने के लिए दी जाती हैं। सबसे पहले पहला आपका जो पेपर है वो है हिंदी का, ठीक है? दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा पेपर आपका 27 अप्रैल को है, दिन आपका मंगलवार है, और समय सेम रहेगा, और विषय जो है वो गृह विज्ञान है, ठीक है? तीसरा पेपर यहाँ पे देखेंगे कि 28 अप्रैल को आपका पेपर है, बुधवार को, समय सेम है और विषय चित्रकला है। चौथा पेपर आप देखिए यहाँ पे 30 अप्रैल को है, और दिन आपका शुक्रवार को पड़ रहा है, समय सेम रहेगा, और अंग्रेजी का पेपर है चौथा, ठीक है, 30 अप्रैल को। पांचवा पेपर आप यहाँ पे देखिए, तो ये है आपको 3 मई को, दिन आपका पड़ रहा है सोमवार, समय आपका ये भी सेम है, ये है सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है? पाँचवा जो विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, ये 3 मई को पेपर रहेगा इसका। छठवां देखिए यहाँ पे 5 मई को, बुधवार को आपका ये, बुधवार के दिन आपका ये पेपर रहेगा 5 मई को, समय सेम रहेगा, और छठवां आपका पेपर है विज्ञान का, ठीक है? तो ये विज्ञान का आपका जो पेपर है वो बुधवार के दिन 5 मई को पढ़ने वाला है। और सातवां पेपर देखिए, ये 10 मई को है, 10 मई को, और ये दिन आपका पड़ेगा सोमवार, समय सेम रहेगा, और ये देखिए गणित का पेपर है। इसमें मैंने दोनों ही तरह के छात्रों का बताया है, जिसमें कि देखिए यहाँ पे चित्रकला है और गृह विज्ञान है, तो इसमें 2 छात्र अलग अलग होंगे। इसमें मैंने आप 10 वाले छात्रों का मैंने बता दिया है, आपके एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम का डेट और एग्जाम का जो एग्जाम का सब्जेक्ट लिखा होगा किस तारीख को कौन सा है, उस हिसाब से इसमें आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिनांक भी बता दिया है और दिन भी बता दिया, समय और विषय भी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका इसको इस शेड्यूल को सेट करने के लिए आप अपनी कॉपी पर लिख सकते, नहीं तो यहां पे देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए। आशा करता हूं आपको ये टाइम टेबल बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।